पिछले सात दिनों से पीछे आगे ना सब पीछे आ जाएंगे। दिल्ली देहात की आवाज को बुलंद करने के लिए, दिल्ली की किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास यहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं। और इस विशाल धरना में यहां उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई अनूप चौधरी जी, श्री राजपाल राणा जी और यहां हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी और आज दिल्ली देहात की आई हुई सभी सरदारी बुजुर्गों, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे कुछ साथी ट्रैक्टर के साथ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले विनोद सहरावत जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निकम्मेपन के खिलाफ उन्होंने आवाज को भारतीय जनता पार्टी के रूप में बुलंद किया है और उनके झूठ को उजागर करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि केजरीवाल जी ने झूठ में पीएचडी हासिल कर रखी है। वो पंजाब में किसानों के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में दिल्ली में एक दिन की विधानसभा भी बुला लेते हैं। वो नाटक करते हैं किसानों के हित में आने के लिए कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से पंजाब के किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आइए देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के किसानों के साथ, दिल्ली देहात के साथ कितनी बड़ी अनदेखी की है। यहां पर पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था सरकार की होती है। यहां दिल्ली के अंदर कोई सिंचाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा है क्या? नहीं। बताइए, है? नहीं। दिल्ली के दूसरे प्रदेशों में, देश के अंदर किसानों को चाहे उनके उपकरण हो, चाहे बीज हो, खाद हो या फिर ट्रैक्टर की खरीद हो, हर खरीद पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। दिल्ली के अंदर वो सब्सिडी है? बताइए, है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हर प्रदेश के अंदर किसानों को जो ट्यूबवेल का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बिल की उनको माफी होती है, सब्सिडी होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसानों से तो वैर है, ग्रामीणों से तो वैर है, दिल्ली देहात से वैर है, इसीलिए उन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन भी नहीं ले सकते हैं और अगर आपने ले लिया तो कॉमर्शियल मीटर के हिसाब से, कॉमर्शियल रेट से बिजली मिलती है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, किसान कृषि प्रधान अपना देश है और जिस देश की राजधानी के अंदर भी लगभग 24% जमीन खेती वाली है और उस खेती की जमीन में करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देना तो दूर,
उनको दबाया जा रहा है, उनकी फसल की गिरदावली भी उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई नहीं जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक किसान, एक दिल्ली देहात का, जिन्होंने दिल्ली की, दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली को देश का एक अच्छा शहर बनाने में अपना योगदान दिया है, अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने भी कई बार उसको अधिग्रहित किया है। इसलिए दिल्ली के डेवलपमेंट में दिल्ली देहात का अंश है, दिल्ली देहात का योगदान है, और उस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली देहात और दिल्ली के किसानों को इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल की मैं बात कर रहा था, अभी मुझे बताया कि राजेंद्र प्रधान जी हैं नीलपाल से, ट्यूबवेल का बिल 1 लाख से ज्यादा आया, 1 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल का बिल। अभी एक भाई मेरे को एक खसरा गिरदावली दिखा रहे थे, सादतपुर ये गांव की, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर मिलती है छोटे किसानों को, 6,000 रुपए सालाना देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में मोदी जी के द्वारा ये रकम आती है। और दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है जिनको ये सुविधा वहां मिल सकती है और मिलती भी है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के अंदर किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के द्वारा मंगाया गया, तो उन्होंने जहां खेती होती है उस खेती और जमीन को भी गिरदावली में नहीं चढ़ाया और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड ये भेजा कि यहां खेती नहीं होती है। और जो रकम पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसान के अकाउंट में आनी चाहिए आती थी, उस रकम को भी दिल्ली सरकार ने रोकने का काम किया है। ये दिल्ली सरकार की असलियत में बताना चाहता हूं। एक नहीं अनेक झूठे वादे हैं। मुझे ध्यान है कि दिल्ली के अंदर कितने गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, नजफगढ़ इलाके के अंदर कम से कम 150 एकड़ जमीन पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां कोई पानी की निकासी नहीं की। और तो और जो फसल नष्ट हो जाती है और जहां पानी भरा है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है उनको मुआवजा दे। किसान मोर्चा ने इससे पहले भी किसानों की आवाज बुलंद की थी तो उन्होंने कहा हम 20,000 एकड़ देंगे, फिर 50,000 रुपए एकड़ किया। और ये दिल्ली में किसानों के लिए जो 50,000 रुपए एकड़ उन्होंने घोषणा की वो भी अभी शायद मिलनी नहीं शुरू हुई। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष के बाद उन्होंने घोषणा की, लेकिन झूठी घोषणा की। मैं आज किसान मोर्चा की जो 12-21 सूत्री मांगे हैं उन मांगों में एक मांग है कि एमएसपी की भी बकाया राशि को तुरंत रिलीज किया जाए। मैं एमएसपी की बात कर रहा हूं। आपको पता है पंजाब में एक साल पहले गए थे मुख्यमंत्री जी, कह रहे दिल्ली में तो हम 2600 रुपए हम वहां एमएसपी दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी मंडी के अंदर एमएसपी 2616 मिला क्या? किसी मंडी में मिला? नहीं मिला। ये झूठ कभी भी जाके कुछ भी बोल देना, म्यूटेशन नहीं करना। और म्यूटेशन नहीं होने से दिल्ली देहात के जो हमारे भाई हैं, जो उनकी जमीन है, उनकी उत्तराधिकार को अगर देना है तो वो कैसे देंगे? और वो दिल्ली
सरकार के अधिकारियों को भेजकर वहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर एसडीएम जमीन को हथियाने की जो साजिश चल रही है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। एसडीएम जाते हैं वहां पर और कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए इस जमीन को दिल्ली सरकार अधिग्रहित कर लेगी। और इसके नाम पर जितना वसूली हो रही है, जितना एक्सटॉर्शन हो रहा है, वो दिल्ली सरकार के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के इशारे पर कर रहे हैं। दिल्ली देहात का विकास करना तो दूर, आज दिल्ली देहात के अंदर जब वहां ट्रैफिक बढ़ा है तो वहां बाईपास रोड की जरूरत होती है। जैसे पहले फिरनी रोड बनाई जाती थी, फिरनी रोड इसीलिए बनती थी बाहर से बाहर सड़क निकल जाए। क्या आज देश की आजादी के 75 साल के बाद 7 सालों से मुख्यमंत्री है, क्या दिल्ली देहात को विकास की जरूरत नहीं है? मुझे ध्यान है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी और साहब सिंह वर्मा जी हुआ करते थे, उस समय उन्होंने दिल्ली देहात के डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठाए थे, चाहे वो दिल्ली देहात में सड़क बनाने की बात हो या फ्लाईओवर बनाने की बात हो। मैं आपसे एक जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली देहात के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने नरेला बवाना फ्लाईओवर डीडीए ने बनाकर ये नरेला बवाना जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी किया है। 400 करोड़ की लागत से वो फ्लाईओवर बनाया है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली देहात के हमारे साथी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार डीडीए की दो पॉलिसी, एक ग्रीन डेवलपमेंट एक्शन प्लान और एक लैंड पुलिंग पॉलिसी, इस पर भी हम जल्दी ही केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से मिलकर इस समस्या का भी समाधान करने वाले हैं। लेकिन आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप किसान को किसान का दर्जा देने में आपको क्या आपत्ति है? कौन सी परेशानी है कि आप किसान को किसान नहीं मान रहे? आप किसान के लिए सब्सिडी नहीं दे रहे? ट्रैक्टर की खरीद पर ट्रैक्टर को कॉमर्शियल व्हीकल क्यों किया है? क्यों किसान दिल्ली देहात में ट्रैफिक जाम है तो वहां पर बाईपास रोड क्यों नहीं बनाई आपने? क्यों ट्यूबवेल के कनेक्शन पर कॉमर्शियल रेट लग रहे हैं? क्यों दिल्ली के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड की गिरदावली के अंदर किसान अगर वहां खेती कर रहा है तो वहां पर कृषि दर्ज होनी चाहिए? क्यों म्यूटेशन नहीं हो रहा है? क्यों सिंचाई की व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर रही है? और क्यों किसानों को फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? आज ये सवाल यहां से किसानों और देहात की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपसे पूछ रहा है। आप एक तरफ तो जाके वहां पंजाब में कह रहे 1000 रुपए महिलाओं को हम दे रहे, अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने गिरेवान में झाको। 7 सालों में आपने 1000 क्या 1 रुपया भी दिल्ली की 89 लाख महिलाओं को दिया क्या? बताइए बहने, किसी को 1000 रुपए यहां दिल्ली में 7 सालों में मिला? बताइए मिला कि नहीं मिला? विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सारी पेंशन बंद कर दी। वहां कह रहे हैं कि 5000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं। आप बताइए दिल्ली में 7 सालों में भत्ता मिला किसी को? पंजाब में कह रहे 10 लाख हमने रोजगार दे दिए। अरे भाई झूठ की हद हो गई। आईटीआई का जवाब आया 3700 रोजगार दिए। अभी पंजाब का चुनाव है तो इन्होंने एक बस निकाली, बोले हमने प्रदूषण रहित एक बस
जारी कर दी डीटीसी की और दिल्ली में प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। आपको पता है इसकी सच्चाई? दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो 6600 बसें थी और अब घटकर कितनी रहेगी? 3700। 3000 बसें कबाड़ी को बेच दी, नई बसें खरीदी नहीं और ड्रामा करने में माहिर हैं। एक बस चला दी, उसकी वीडियो दिखा दी और पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वह प्रचार कर दिया कि दिल्ली ने डीटीसी ने तो बसें चला दी, इलेक्ट्रिक बसें। और दिल्ली के अंदर अभी बहन जी कह रही पिंक ठेके खोल दिए। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपको क्या इसलिए बिठाया था गद्दी पे कि आप सरकार में आए और शराब माफिया से गठबंधन कर लें? अरे अपनी बात अपनी जुबान पर कायम रखो। आपने ही 7 साल पहले एक स्वराज पुस्तक में लिखा था कि हम कोई शराब का नया ठेका नहीं खोलेंगे, और खोलेंगे तो वहां के संगठन आरडब्ल्यूए पंचायत महिला संगठन से परमिशन लेंगे। लेकिन अब हजारों ठेके खोल रहे हैं और आज तक, बहन जी सही कह रही है, आज तक आजादी के 75 साल हो गए, दिल्ली के अंदर 88 ऐसे वार्ड हैं, 88 जिन वार्डों में आज तक कभी ठेका नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि वो देहात है, गांव है, कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है, उन इलाकों में खुलना ही नहीं चाहिए, कानून कहता है। लेकिन इन्होंने हजारों करोड़ रुपया रिश्वत लेकर हजारों ठेके खोलने का काम किया है। ये दिल्ली की जनता, दिल्ली के किसान भाई, दिल्ली देहात उन्हें माफ नहीं करेगा। आज कोई कॉलोनी, रिहायशी कॉलोनी हो, वहां पर जब ठेका खुलता है तो बताइए वहां माताएं बहनें बच्चे कोई खरीदारी करने के लिए जाएंगे? वहां तो लंबी कतारें लगी हैं शराब के लिए। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार आपको इसलिए नहीं बिठाया था, आपको बिठाया गया था कि आप गांव का विकास करें, आपको बिठाया गया था देहात में किसानों की समस्या का हल करें, आपको बिठाया गया था साफ और स्वच्छ पानी सबको मिले, आपको बिठाया गया था कि सीवर की व्यवस्था दुरुस्त हो, आपको बिठाया गया था दिल्ली के अंदर कॉलेज और स्कूल बनाने के लिए, आपको बिठाया गया था दिल्ली के अंदर नई सड़क और फ्लाईओवर बनाने के लिए, आपको बिठाया गया था दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली डीटीसी को दुरुस्त करने के लिए, आपको बिठाया गया था यमुना जी की सफाई के लिए, लेकिन वो तो आपने किया नहीं। आपको घर घर पानी देना था लेकिन आप घर घर शराब बांटने की तैयारी कर रहे हो और शराब बांटने का काम कर रहे हो, इसमें महारत हासिल कर ली है क्योंकि इसमें आपने शराब माफिया के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव में लड़ रहे हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। और आपको पता है एक नया कारनामा कर दिया, पूरे देश के अंदर 21 ड्राई डे हैं, यानी 21 दिन शराब नहीं बिकती है, इन्होंने उसमें से कटौती कर दी, 18 घटा दिए। होली, दीपावली, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, महात्मा बुद्ध जयंती, मोहर्रम, क्रिसमस, इन सारे त्योहारों पर भी 18 ऐसे दिन जहां 1000 करोड़ रुपए की शराब का अलग बिक्री हो, इसके लिए शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये छूट भी दे दी। अरे कितना गिरोगे केजरीवाल जी? ईमानदारी और सच्चाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले और दिल्ली देहात के खिलाफ काम करने वाले, आप देखिए एक हक कि जो दिल्ली देहात की जमीन जब अधिकृत होती थी तो अल्टरनेटिव प्लॉट भी दिए जाते थे, वो अल्टरनेटिव प्लॉट भी बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, ये जो 21 सूत्री मांग है उसके उनके लिए आपके हक की लड़ाई, हम इस संघर्ष को वहां तक ले जाएंगे कि आपको मांग मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुझे अभी बताया कि किस तरह से किराड़ी, मदनपुर डबास गांव से कराला के बीच बड़े बड़े गड्ढे हैं, किराड़ी से मुबारकपुर मदनपुर रोड पर गंदा पानी भरा हुआ है,
दरियापुर, चांदपुर, नागल ठाकरान, राबता गांव, तराला, मदनपुर, डवास, रानीखेड़ा, मजरी, किराड़ी, निठारी, बाजीतपुर में बारिश का पानी जमा हो गया और फसल नहीं हो सकती। और ये राबता गांव वाला तो मुद्दा संसद में भी उठाया गया, 250 एकड़ जमीन पर 15 सालों से पानी भरा हुआ है। कूटकला से कंजावला रोड पिछले 6 सालों से खराब पड़ी है। हेलीपैड से प्रेम प्याऊ माजरा डवास तक रोड निकाली जाए ताकि दिल्ली देहात को जाम से मुक्ति मिले। सभी गांव के अंदर खेतों में से रास्ते निकालकर सुविधा दी जाए। 20 सूत्री जमीन पर मालिकाना हक मिले और गांव के जोड़ का जितना बुरा हाल इस दिल्ली सरकार ने किया है, कोई शुद्ध नहीं है कि जो जोड़ हैं, तालाब हैं, उनको साफ सुथरा करके वहां एक अच्छा माहौल दिया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग जाइए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक झील बनाई है, वो झील वेलकम झील के नाम से है, शाहदरा के पास है। वहां पर पहले झील थी, बाद में गंदा पानी आता था। अभी केंद्र सरकार की अमृत योजना है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अमृत योजना का मतलब है, अमृत योजना अमृत मिशन का जो मोदी जी ने कहा, हर घर में नल से पानी पहुंचे, हर घर का सीवर लाइन से कनेक्शन हो, हर घर के आसपास हरियाली हो, ये 3 मिशन है अमृत मिशन के, मोदी जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि कितना भी पैसा हमसे ले लो कोई सरकार। अभी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक झील बनाई, आप कभी मौका मिले तो जाकर देखना, वहां बच्चों को ले जाकर देखना, इतना शानदार गंदा पानी एसटीपी प्लांट लगा के साफ पानी करके वो झील तैयार किए। जब हम उस झील के किनारे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता कोई नदी के किनारे आ गए। क्या केजरीवाल जी आपको 2419 करोड़ रुपया आपको अमृत योजना में एसटीपी प्लांट को साफ लगाने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए दिए थे, आपने 7 सालों में नहीं किए? आपको क्या करना, आपने किया क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है ये कह रहे हैं हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है और वहां का प्रदूषण दिल्ली की आबो हवा खराब करता है, तो इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम किसानों को पराली का डिकम्पोजर देंगे ताकि दिल्ली के किसान पराली को जलाए नहीं और वहीं डिकम्पोज कर दे। आपको ध्यान होगा ये पूसा इंस्टीट्यूट है जो कृषि संस्थान है, उसने एक, उनके वैज्ञानिकों ने एक डिकम्पोजर बनाया है, एक दवाई है, उस दवाई का छिड़काव करते हैं तो पराली उसी खेत में डिकम्पोज हो जाती है और खाद के रूप में वो बन जाती है। तो वो डिकम्पोजर पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी दिया गया, वहां भी उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि किसानों के साथ समस्या है कि वो पराली को जितनी रकम में वो वहां से ट्रांसपोर्ट करके खेत से ले जाएंगे तो महंगा पड़ता है, इसलिए वो जलाते थे। तो डिकम्पोज करने की सरकार ने, मोदी सरकार ने एक दवाई बनवाई, तो उसमें भी इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। दिल्ली में पिछले साल इन्होंने 65,000 रुपए की दवाई खरीदी, बहुत सस्ती आती, एक कैप्सूल होता है, और वो 65,000 की दवाई को 24 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया। अपने कार्यकर्ताओं का ये दिखाए कि ट्रैक्टर से, ट्रॉली से और टेम्पो से वो हमने खेतों में भिजवाया, और आपको पता विज्ञापन पे कितना खर्चा किया, 16 करोड़ रुपया। आरटीआई का जवाब है 16 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च किया कि देखो हमने दिल्ली के अंदर पराली जलने नहीं दी, डिकम्पोजर लेकर और वो कर दिया। 16 करोड़ रुपया, यानी काम 65,000 का और विज्ञापन 16 करोड़ का, ये मॉडल है दिल्ली की सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर विज्ञापन का बजट है। आप टीवी खोलोगे तो केजरीवाल जी, अखबार देखोगे तो केजरीवाल जी,
मैं जब बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे बना दिए केजरीवाल। मैंने कहा आके देखो ना, बोले दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे बना दिए। मैंने आके देखो मोहल्ला क्लिनिक के आसपास कितने जानवर घूम रहे हैं, कितनी गंदगी है, कितना फर्जीवाड़ा है। अभी गलत दवाई दे दी तो 17 बच्चे बीमार हो गए, 3 बेचारे मर भी गए और बंद पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक। यानी इनकी हर योजना, जो जो योजनाएं की घोषणा की, जो वादे किए, वो सारे वादे झूठे निकले। मैं एक और जानकारी देकर आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7400 मेगावाट बिजली की खपत है। जब गर्मी पड़ती है, जब सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती, जब लोग एसी चलाते हैं, उस समय पीक डिमांड 7400 मेगावाट। अभी इन्होंने क्या किया, फिक्स चार्ज लेते हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां 125 रुपए फिक्स चार्ज है पर किलोवाट, और जो कॉमर्शियल है 250 रुपए। अब फिक्स चार्ज ले रहे 22700 मेगावाट, यानी दिल्ली में खपत 7400 मेगावाट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 5-6 हजार के बीच रहता है। यानी बिजली आपके पास तैयार इतनी हो रही 6000 मेगावाट, आपके पास कैपेसिटी रखने की 6000 मेगावाट, और आप पैसे ले रहे फिक्स चार्ज के 22700 मेगावाट। यानी 3 गुना दिल्ली के लोगों की जेब से पैसा निकालना, 3 गुना फिक्स चार्ज, और कह रहे हमने बिजली के रेट कम कर दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली देहात की आवाज को बुलंद करना है, और ये जो किसानों और दिल्ली ग्रामीण की जो उपेक्षा, जो अनदेखी और जो अन्याय दिल्ली सरकार ने किया है, उसका जवाब देना है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले निगम के चुनाव के अंदर भी दिल्ली देहात की आवाज ये बुलंद होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब देश के अंदर किसानों के प्रति, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या जो किसानों को सुविधाएं हो, ग्रामीणों को सुविधाएं देने की बात हो, आवास योजना हो, हालांकि दिल्ली में आवास योजना लागू नहीं की, आयुष्मान योजना लागू नहीं की, लेकिन आज दिल्ली का किसान, दिल्ली देहात जाग गया है। ये अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं भी किसान का बेटा हूं, दिल्ली देहात की आवाज हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को बधाई देता हूं। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, और ये संघर्ष हमें किसी भी स्तर पर करना पड़ेगा। अभी एक पत्रकार साथी मेरे से पूछ रहे थे कि आप अभी चुनाव नजदीक आ गया तो आप ये धरना दे रहे हो। मैं आप पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूँ, मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली देहात और किसान की लड़ाई है। हम पिछले 2 साल से गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम 21 सूत्री मांगों का संघर्ष इलाकों में कर रहे हैं, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है, और ये संघर्ष हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक मांगे मानी नहीं जाती, जब तक केजरीवाल, जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ये घोषणा नहीं कर देते कि दिल्ली के किसान और देहात के लिए जो 21 सूत्री मांगे हैं वो हम मानते नहीं। और मैं ये भी चेतावनी देता हूं, दिल्ली देहात ने ठाना है कि हम दिल्ली सरकार को इन मांगों के लिए मजबूर करेंगे। और मैं अंत में कहना चाहता हूं, हमारे बहुत बुजुर्ग साथी सरदारी यहां आई हुई है कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर उन दिल्ली देहात का दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर दिल्ली देहात का दूसरा भी साथ दे, क्योंकि ये अनदेखी
अगर कोई दूर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी और केजरीवाल जी को मजबूर होकर इन मांगों को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली सरकार जो किसानों की जमीन एक्वायर की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा है, उन किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट पहले जैसे दिए जाते थे वैसे अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाए, ये मांग भी भारतीय जनता पार्टी के 21 सूत्री एजेंडे में है। बहुत बहुत धन्यवाद।